प्रथम तहलका न्यूज। इस वक्त के लिए बड़ी खबर पलवल से। आपको बता दें कि ये मामला शराब के नशे में व्यक्ति को गोली मारने से जुड़ा हुआ है। तो बता दें कि पुलिस ने गोली चलाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आरोपी को पुलिस ने अमरपुर चौकी से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि फायरिंग का ये मामला 2 मार्च से जुड़ा हुआ है। बता दें कि 3 मार्च को चांद हाइट की पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया था, तो वही अब आरोपी को पुलिस ने धर पकड़ने में सफलता हासिल की है। बता दें कि वारदात के बाद से आरोपी भागने की फिराक में था, तो वहीं पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया है और फिलहाल पुलिस की टीम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एक बार फिर से आपको बता दें कि शराब के नशे में एक व्यक्ति को गोली मारने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बता दें कि आरोपी को पुलिस ने अमरपुर चौकी से गिरफ्तार किया है। बता दें कि यह पूरा मामला 2 मार्च से जुड़ा हुआ है, तो वहीं पुलिस ने 3 मार्च को चांद हट की पुलिस ने इस मामले को दर्ज किया था, तो वहीं इस वारदात के बाद से आरोपी भागने की फिराक में था। बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आरोपी शिव कुमार और इसका दोस्त है एशीपाल और 3-4 दोस्त थे। डाडोता के खेतों पे शराब पी रहे थे, जन्मदिन की पार्टी बना रहे थे। नशा ज़्यादा हो गया, उस ऋषिपाल ने इसको कुछ गाली गलौज की थी। इसने गुस्सा में गाली गलौज थप्पड़ मार दिया। इसने गुस्से में आके अपने पेंट की आटे से कट्टा निकाल के और ऋषिपाल के को जान से मारने की नीयत से सीधी गोली चला दी छाती। कहाँ से हुई गिरफ्तारी, कितने और हैं इसमें आरोपी? हुई इसमें और कोई आरोपी नहीं, तफ्तीश चल रही है फिलहाल, यही आरोपी है। कुछ बरामद वगैरह कुछ हो? बरामद के लिए अभी राजस्थान जाएंगे हम, एक कट्टा बरामद करना है। कोई रिमांड पर कितने दिन लिया? एक दिन का रिमांड।